दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक नई कहानी के साथ मैं हाजिर हूं, आपका दोस्त विश्वजीत। लीजिए करते हैं कहानी की शुरुआत। कहानी कुछ इस तरह है। महानगरों की बात है जहां आवास समस्या के चलते किसी लड़के और लड़की द्वारा फ्लैट साझा करने की बात ज्यादा अजीब नहीं समझी जाती। ऐसे में एक माँ अपने बेटे से मिलने पहुंची थी जो फ्लैट में एक लड़की के साथ अलग अलग रहता था। बेटे ने माँ की बड़ी आवभगत की। माँ ने देखा कि लड़की बड़ी खूबसूरत है और उसके और बेटे के बीच आंखों आंखों में ही काफी बातें हो रही हैं। माँ कस्बे से आई थी, उसे पहले से ही शक था। जब बेटे ने मां की निगाहों में संदेह देखा तो उसने खुद ही सफाई दे दी कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ रसोई साझा कर रहे हैं, रहते अलग अलग हैं। खैर, मां ने कुछ नहीं पूछा और वो अगले दिन लौट आई। उसके लौटने के बाद लड़की ने ध्यान दिया कि रसोई में रखा चांदी का जार गायब है। उसने ये बात लड़के से कही। लड़के ने पहले तो कहा कि मां ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन चूंकि घर में और कोई नहीं आया था इसलिए उसने मां को ईमेल किया। प्रिय मां, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम जार ले गई हो। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि तुम जार नहीं ले गई हो, पर यह सच है कि जार यहां से गायब है। कुछ दिनों बाद उसे ईमेल से ही मां का जवाब मिला। प्रिय बेटे, मैं यह नहीं कह रही हूं कि तुम दोनों एक ही कमरे में रहते हो। मैं यह भी नहीं कह रही हूं कि तुम लोग अलग अलग कमरों में रहते हो, पर वास्तविकता यह है कि अगर तुम्हारी दोस्त अपने कमरे में रहती तो उसे तुरंत पता चल जाता कि जिस जार को तुम लोग गायब समझ रहे हो वो उसके तकिए के नीचे रखा हुआ है। तो ये थी इतनी सी कहानी और सबक दे जाती है कि माँ से कुछ भी नहीं छुपा है, माँ से कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए। बच्चे की सबसे अच्छी दोस्त माँ होती है, इसलिए कोई दुविधा है तो माँ को वह बता देनी चाहिए। तो आज की कहानी बस इतनी ही। कैसी लग रही हैं आपको कहानियाँ, अपने मैसेज के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।